क्या चल सत श्रीकाल। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन अभी आने वाले हैं, किसी को भी अपने कॉम्पिटिशन की प्रेप करनी है तो हमारे को डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे, टीम पे नरवाल के साथ जुड़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये गाइस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन सबकी पूरी वॉल भरी पड़ी है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स। हाल चाल सत श्री अकाल, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं मसल जोन व्हील्स। तो गाइस आज की वीडियो आपको ओल्ड स्कूल वीडियो लगेगी थोड़ी, क्योंकि जो ये बातें मैं दो दो तीन तीन साल पहले करता था आज आपके साथ दोबारा करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और पुरानी वीडियोस देखना नहीं पसंद करते, वो कहते हैं नई वीडियोस बनाओ दोबारा बताओ। जैसे कि मैंने सारे ब्रांड्स के ऊपर वीडियो डाल रखी है, टेस्ट, डेका, बोल्डी, ट्रेंड, अनावर, सारे साम्स, प्रो हार्मोन, सबके ऊपर वीडियोस डाल रखी हैं, पर फिर भी नई ऑडियंस को नई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ऐसे ही मैं आपको साइकिल बताने आया हूँ, लीन गेन की साइकिल, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन चल रही है और काफ़ी सारी साइकिल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हम बनाते रहते हैं, लोगों की देखते रहते हैं, उनमें कुछ ऑन एड ऑन प्लस माइनस करते रहते हैं क्योंकि हमारा काम है। तो लीन गेन की साइकिल जो काफ़ी लोग गलती करते हैं, जो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि बल्किंग में लोग कर लेते हैं, कटिंग में वही गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, आपका टेस्ट, ट्रेन, मैस्टी, विनी, क्लेंटी, थ्री, अनावर। जो लीन गेन की साइकिल होती है जिसमें आप अपनी मसल वॉल्यूम बढ़ाते हो, मसल फाइबर बढ़ाते हो, आप अपना सिमेट्री अच्छी करते हो, स्ट्रक्चर अच्छा करते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हर बॉडी बिल्डर के लिए और हर एथलीट के लिए। और लीन गेन जब हम करते हैं तो इसमें आपको पावर भी आनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी आना चाहिए, मसल एंड्योरेंस भी बढ़नी चाहिए, आपकी बोन्स भी हैवी होनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि लीन गेन साइकिल के बारे में बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं, कोई लोग बोल्डी ऐड करते हैं, कोई लोग कुछ ऐड करते हैं। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लीन गेन साइकिल चलाना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने एक अच्छी ब्रांड यूज़ करनी है। आपने वो ब्रांड यूज़ नहीं करनी तो 2015, 16, 17 में चलती थी, इनका नाम बहुत है, आज के टाइम में बहुत कॉपी आ रही है और वेबसाइट से बना रखी हैं, एक वेबसाइट के चार चार तरीके के नाम हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कुछ भी लो 100% ओरिजिनल लो, हाई पोटेंशियल हो और ए ग्रेड क्वालिटी लो। कभी भी डी ग्रेड क्वालिटी, सी ग्रेड क्वालिटी मत लेना, ए ग्रेड क्वालिटी लेना, वो 300-400 रुपये ऊपर होती है, और हाई पोटेंशियल ही लेना। कभी भी 80% से नीचे वाली पोटेंशियल वाला सामान मत लेना, वैसे आपको पता नहीं लगेगा पोटेंशियल का, ग्रेड होते हैं, तो हमेशा 92, 95, 98% पोटेंशियल वाला ही प्रोडक्ट लेना, वही आपको रिजल्ट देगा। वरना अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं 50-50%, 40-40% वाली पोटेंशियल वाली चीज़ें हैं और आप लोग लेके बहुत खुश हो रहे हो, उनकी एडवर्टीजमेंट्स भी इंस्टाग्राम पे और इनकी वेबसाइट्स भी चल रही हैं हमारे इंडिया में और बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, बहुत सारे लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली हमारे यहाँ नॉर्थ जोन में, हरियाणा वगैरह, यूपी वगैरह में, पंजाब में, बहुत मेरठ वगैरह में ये ब्रांड्स पॉपुलर है और इनके रिजल्ट जीरो तो नहीं कहेंगे मगर 20-25% है, मगर वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह डिफाइन नहीं करेंगे, आपके मसल बैलेंस को इतना इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो थोड़ा बहुत आपको पुश देंगे, मगर एक्चुअल जो साइकिल से आप रिजल्ट ढूंढते हो ना, पालते हो, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 110% ओरिजिनल ए ग्रेड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जिसमें हाई ऑयल यूज़ होता है, हाई ग्रेड मटेरियल यूज़ होता है। अगर 250 mg टेस्ट करो, 250 mg टेस्ट ही हो, कम ना हो, वरना 250 mg टेस्ट लिख देते हैं, 100 mg भी नहीं लिख देते हैं, होता है उसमें 25-25 और इतना कम है, तभी आजकल लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं दो दो तीन तीन साइकिल करने के बाद भी। तो पहली चीज़ तो आपको अपने कंपाउंड अच्छे चूज़ करने हैं, और लीन गेन में सबसे पहला कंपाउंड आप क्या चूज़ करते हो, तो लीन गेन में हमारा सबसे पहला कंपाउंड होता है टेस्ट। तो टेस्ट बेस सबसे पहला कंपाउंड होता है, वो बेस होता है, समझ लो आपने कोई पौधा लगाना है, ठीक है, आप पौधा लगा रहे हो तो उस पौधे की मिट्टी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, उसमें गड्ढा करोगे, वो मिट्टी पहले देखनी चाहिए, वो मिट्टी मजबूत होनी चाहिए, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसको अंदर तक गाड़ोगे आप, ठीक है, जितना अंदर गड़ेगा वो नीचे ब्रांचेस करेगा, फिर ऊपर 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 फूलेगा और तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, और नीचे से ही स्ट्रांग होगा। तो आपको जो बेस लेके चलना है ना, वो टेस्टोस्टेरोन का लेके चलना है हमेशा। तो आप लीन गेन में सेस्टेरोन भी चला सकते हो, टेस्ट ए भी चला सकते हो और टेस्ट सी भी चला सकते हो, आप ये तीन टेस्ट चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे को बेसिकली सेस्टेरोन भी बढ़िया लगता है और टेस्ट ए भी बढ़िया लगता है, टेस्ट सी सेम ही काम करते हैं, आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक चला सकते हो जो आपको सूट हो, जो आपको अच्छी क्वालिटी का
मिल रहा हो। सस्टेनॉन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप भी डिपेंड करता है, उनकी हाई ऑफ लाइफ में भी फर्क होता है इनकी, तो आपको वो चीज चूज करनी है। आप टेस्ट ई भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, सस्टेनॉन भी ले सकते हो। मेरे को सस्टेनॉन टेस्ट ही बढ़िया लगता है, मैं काफी सारी साइकिल्स में सस्टेनॉन ऐड करवाता हूँ डिपेंडिंग ऑन उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और कंडीशन देख के टेस्ट ई भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ। तो उसके बाद जो आपको गेंस देगा, टेस्ट तो गेंस देगा ही देगा आपको, उसके बाद जो आपने कंपाउंड ऐड करना है, एक लोग बहुत लोग गलती करते हैं, लाइक 99% लोग गलती करते हैं, वो बोल्डी ऐड करते हैं। वो उनकी मिक्स साइकिल होती है, टेस्ट डेका बोल्डी एंड्रोलिक और डेनाबॉल, खत्म काम। तो बहुत सारे लोग लीन गेन में भी बल्किंग में भी ये साइकिल चला देती है, ये बल्किंग की साइकिल होती है, लीन गेन की साइकिल नहीं होती है। सो आपको बोल्डी ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बोल्डी के एक्शन रिएक्शन ना बहुत लंबे टाइम बाद आते हैं। लाइक जब आप साइकिल खत्म करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा हमने बोल्डी भी लिया था, और उसके साइड इफेक्ट भी हैं वैसे, तो इतना प्रीमियम नहीं रहा वो, ठीक है। तो उसकी जगह आप प्राइमो ऐड करो। आपको अगर लीन टिश्यू ऐड करना है ना अपने स्ट्रक्चर में, आपको इतना मतलब वेट गेन नहीं करना, आपको लीन मसल मास गेन करना है, जो कि आपको टिश्यूज ऐड करना है अपने मसल्स के अंदर, मसल बैली अच्छी करनी है, तो प्राइमो ऐड करो, ठीक है। प्राइमो बहुत ही अंडररेटेड है हमारे इंडिया में, क्योंकि महंगा है, लोग खरीदते नहीं है उसको, और ट्रेनर साइकिलों में डालते नहीं, क्योंकि उनको पैसा बचाना होता है बोल्डी देके, तो बोल्डी से महंगा आता है। लाइक डेढ़ गुने रेट में प्राइमो मिलता है, प्राइमो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन आप बाहर के देशों के पॉडकास्ट देखोगे, उनके वीडियोज देखोगे, तो वो इवन रॉनी कॉलमैन कह रहा हूँ मैं, फील हीट हो गया, और एक दो बॉडी बिल्डर और हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा फेवरेट प्राइमो है, हम प्रीमो लेते हैं। इवन फीमेल बॉडी बिल्डर भी प्रीमो यूज करती है लीन मसल मास टिश्यू और वॉल्यूम के लिए। तो टेस्ट और प्रीमो बहुत सुपीरियर है अगर आप साइकिल कर रहे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, आप बिगिनर हो, प्रीमो जरूर ऐड करो फर्स्ट वीक से। फिर आप थर्ड वीक फोर्थ वीक में अपनी कंडीशन देखो, डोजेस थोड़ी ऊपर नीचे होगी, तो उसमें आप देखो कि आप ट्रेन ऐड करो, ठीक है। ये सिर्फ मैं उनको कह रहा हूँ जो एडवांस लेवल के और इंटरमीडिएट से ऊपर जो साइकिल चला चुके हैं दो तीन बार, तो फिर वो आप ट्रेन ऐड करो। ट्रेन भी कौन सा, ट्रेन एच। तो ट्रेन एच जो ऐसा कंपाउंड है, बहुत सारे लोगों ने लोगों को पता नहीं है, पर वो बहुत सारा पावर है उसके अंदर ना, ट्रेन एच के अंदर। वो मतलब एक तरीके से घोड़ा है वो, ज्यादातर ट्रेन एच कबड्डी प्लेयर, कुश्ती प्लेयर, ऐसे ऐसे लोग इसको यूज करते हैं। वो अंदर से भी आपको स्ट्रांग बनाता है, बाहर से भी आपको स्ट्रांग बनाता है। साइड इफेक्ट तो है ही, जो भी है, लीवर, किडनी और गुस्सा आना, टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस होना, ये सारे तो पीसीटी में रिकवर हो जाते हैं। हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम सारी चीज़ें ठीक करवा देते हैं, ऑर्गन से लेके जो भी चीज़ें हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल तक, स्पर्म काउंट तक, लीवर, किडनी, सब कुछ 110% रिकवर करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और एकदम सेफ वे में सब कुछ करवाते हैं। तो ट्रेन एच, ना ट्रेन ए, ना ट्रेन ट्री, ट्रेन एच ऐड करो। ट्रेन एच जो आपको गेंस देगा और जो वो होल्ड करके रख सकते हो आप, और मगर उसकी साइकिल होती है ना ट्रेन एच की, लोग क्या करते हैं, वो 75 mg में आता है, तो वो ना 75 mg इंजेक्ट कर लेते हैं हफ्ते में दो बार तीन बार। उसकी साइकिल ऐसे नहीं चलती, उसकी साइकिल ना पहले बॉडी देख के चलती है, और उसकी साइकिल चलती है टेस्ट के साथ मिक्स करके। जैसे आप 1 ml ले रहे हो, कोई बोलता आधा ml लो, वो 0.2-0.3 टेस्ट के साथ मिक्स करके चलती है थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में। उसके बाद जब आप 200 या 300 ले रहे हो, उसके बाद आप आधा ml करते हो, उसके बाद आप 1 ml करते हो, उसके बाद आप इंडिविजुअली चला सकते हो उसको। तो टेस्ट के साथ मिक्स, एक ही सीरीज में मिक्स करके आप जब उसको लेते हो, और धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करती है, और जब उसको बॉडी आपकी समझ जाती है और आपको कैच कर लेती है ना, तो ये तीन कंपाउंड लाइक टेस्ट, प्रीमो और ट्रेन एच, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं आपको अगर लीन गेन करना है। और लीन गेन की साइकिल भी थोड़ी लंबी रहती है, लाइक 120 दिन से लेके 150 डेज तक इसकी लीन गेन की साइकिल रहती है। उसके बाद पीसीटी करो, उसमें भी आपके गेंस आप होल्ड करके रख सकते हो, या आप क्रूजिंग वगैरह जो भी सारी चीज़, डिपेंडिंग ऑन योर गोल एंड या क्या आपका कम्पीट करना है, क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से रहता है। तीन कंपाउंड बहुत ही बढ़िया है, सफिशियंट है। अगर आपको इसमें थोड़ा और बल्क लाना है, आप NPP भी ऐड कर सकते हो, मगर डिपेंडिंग ऑन वो साइकिल टू साइकिल, पर्सन टू पर्सन, गोल टू गोल। मगर ये तीन कंपाउंड अगर आपको लीन गेन, अपने मसल टिश्यू बढ़ाने, मसल ग्रो करना है, आपको वेट नहीं बढ़ाना ज्यादा, आपको मसल, प्योर मसल मास गेन करना है, आपको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी लिफ्टिंग आपको अच्छी करनी है, एंड्योरेंस चाहिए, और ये मैं उनको कह रहा हूँ, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो कबड्डी प्लेयर हो, कुश्ती प्लेयर हो, कोई ऐसे एथलीट हो जिसमें बॉक्सर्स हो,
जो भी ऐसे जिनमें मसल का काम है, मसल में जान चाहिए, जेवलिन थ्रो वगैरह हो, शॉर्ट पुट हो, एंड्योरेंस चाहिए सर, थको ही ना आप, तो ये तीन कंपाउंड आपके लिए सुपीरियर है, सुपीरियर। टेस्ट, प्रीमो, ड्रेनेज, साथ में आप ओरल ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं ओरल में। आपको लीन बल्क करना है तो जैसे कि आप साम्स में रेड ऐड कर सकते हो, YK11 ऐड कर सकते हो, LGD ऐड कर सकते हो, इनसेन बल्क ऐड कर सकते हो, आप गेंस ऑफ स्टील ऐड कर सकते हो। आपको टाइट ही रहना है तो आप एक्सप्लोसिव मसल और हार्डनर एंडोकिड ऐड कर सकते हो, आप मायोड्रॉल और M1T ऐड कर सकते हो, आप फ्रीक ड्रॉल ऐड कर सकते हो, आप जेनेटिक का ब्रूटल ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये है ड्राई गेम्स जेनेटिक का। टैबलेट में आप कोई भी एक टैबलेट या दो टैबलेट आप ऐड कर सकते हो, कोई भी आप अगर मिक्स में ले रहे हो तो उसके साथ मायोडोल M1T या कोई साम ऐड कर सकते हो। वो जो साइकिल बनाएंगे या आप मेरे से बनवाते हो तो मैं बता सकता हूँ। तो ड्राई गेम्स है, तो ड्राई गेम्स नाम ही ड्राई गेम के लिए है, तो इसमें भी काफ़ी सारे प्रो हॉर्मोन्स और ब्लेंड का मिक्सचर है, तो ये काफ़ी अच्छे गेम्स है। 60 कैप्सूल है और बहुत ही अमेजिंग ड्राई गेम लीन गेन में हेल्प करता है। ये फ्री ड्रॉल है, इसमें सुपर ड्रॉल M1T का मिक्सचर है, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लीन मसल मास ग्रोथ में बहुत हेल्प देता है। ये 400 जाइंट है, ये मसल मास ग्रो में, ये गेनिंग में काम करता है, आप इसको ले सकते हो। ये भी इसमें 30 कैप्सूल आती हैं। इसको कटिंग करनी है, जिसको लीन गेन में भी श्रेड ही रहना है कि उसके एब्स विजिबल रहे मगर फिर भी गेन होता रहे, तो वो श्रेड एक्स चला सकता है। तो श्रेड एक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें 30 कैप्सूल रहती हैं। और ब्रूटल, जिसको एंड्योरेंस चाहिए, पावर चाहिए, ब्लास्टिव एनर्जी चाहिए और क्रिजनेस चाहिए, पंप चाहिए बॉडी है ना, तो ब्रूटल चला सकता है, 24 कैप्सूल रहती हैं। और सब सबका प्यारा इनसेन बल्क है, इसको भी लीन गेन करना है, मसल वॉल्यूम बढ़ाना है, बल्क करना है और वेट भी बढ़ाना है साथ साथ, तो वो इनसेन बल्क चला सकता है, तो वो भी बहुत बढ़िया। और साम्स में आपको मैंने बता दिया, प्रोहोन में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जब आप साइकिल कंप्लीट कर लो, आपको अपने जो गेंद है उनको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको ह्यूमंगस फार्मा का आता है डिफेंडर बुलेट। आपको डिफेंडर बुलेट चलाना है, ऑल इन वन ऑर्गन सपोर्ट है उसमें, आपको लिवर, किडनी, हेयर, स्किन, एस्ट्रोजन वगैरह, ज्वाइंट्स वगैरह सबका उसके अंदर ब्लेंड है। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, 20-20 कैप्सूल, आपको सिर्फ वो 2 कैप्सूल खाने सुबह रात, आपको जो भी लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगी। और MF बुलेट उसके साथ चला देना है, 2 स्प्रे सुबह, 2 स्प्रे रात को, या 2 स्प्रे आपको दोपहर में, या 3 स्प्रे सुबह, 3 स्प्रे रात को, आधा कप गुनगुने पानी में। आपकी PCD भी हो जाएगी, रिकवरी भी हो जाएगी और आपके गेंस भी डाउन नहीं जाएंगे, तो सबसे बेहतरीन पार्ट ये है। तो क्योंकि वरना बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाने के बाद डाउन हो जाते हैं, हमारे पास तो उसका भी इलाज है, साइकिल चलाओ डाउन नहीं आओगे। आपकी वस्कुलैरिटी कम हो सकती है मगर आपका साइज, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, आप गिरोगे नहीं, आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि साइकिल छोड़ दो फंस हो गया, तो ये चीज़ एकदम इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि आपको गाइडेंस देने वाला ही बंदा इतना वैलिड है इस इंडस्ट्री में। ये चीज़ है, तो आपको मैंने बताया, आपको जब लीन गेन करना है, मसल टिश्यू ऐड करना है, आपको ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना, तो टेस्ट, प्रीमो, ट्रेनेच, कोई भी आप 2 साम का ब्लेंड, या कोई भी आप 2 प्रो हार्मोन या 1 प्रो हार्मोन 1 साम, कुछ भी चला सकते हो। तो 5 चीज़ों की साइकिल आप चला सकते हो ऑन एंड ऑफ, लाइक वो भी डिपेंड करता है, ऐसे नहीं चलाना आपने आज, जैसे अभी आप एक पहले हफ्ते से ही ट्रेन भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, पहले टेस्ट ऐड होगा, फिर प्राइमो ऐड होगा, फिर प्राइमो चलता रहेगा, उनकी डोजेस बढ़ेगी, फिर ट्रेन ऐड होगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा, फिर उस पर डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन क्या क्या जा रही है क्या नहीं जा रही। और टैबलेट्स में भी ये होता है कि पहले एक टैबलेट ऐड होगी, अगले हफ्ते दूसरी टैबलेट ऐड होगी, फिर वो ऑफ एंड ऑन में चलेगी, तो वो जो साइकिल बनाता है वही बताता है। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिसने लीन गेन करना है उसको करंटली टाइम में ये चीज़ें बहुत बेनिफिट देंगी। और करंटली जैसे जैसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इनके, लीन गेन करना है तो मैं दिखा रहा था आपको, जैसे ड्राई गेन्स हैं और ब्रूटल है, और जिसको पावर स्टेमिना भी चाहिए तो हार्डनेस के लिए फ्रीक ड्रॉल है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही था वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो शेयर कर दो। जिन्होंने भी बॉडी बनानी है या चाहते हैं कि हमारी अच्छी बॉडी हो, लीन गेन साइकिल चलाना चाहते हैं सर्दियों में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो। इसमें कोई चीज़ आपको बुरी लगी, अच्छी लगी या समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो, मुझे आपका कमेंट वैलिड लगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, दिल तो मैं बना ही दूंगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आपने जो पूछना है, कुछ चीज़ मैं फ्री में बता देता हूँ, कुछ चीज़ों के चार्जेस रहते हैं, वो आप देख लेना जैसे आपको सही लगे। और यही था इस वीडियो में, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।